हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपडेट सामने निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, रियलमी 8 डिवाइस को लेकर। अगर आप इंडिया के अंदर रियलमी का 8 डिवाइस को यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखो, रियलमी 8 डिवाइस के लिए रियलमी वाई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल अपडेट को यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है इंडियन यूजर्स के लिए। आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 7 से 10 डेज का आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इस अपडेट का जो यहाँ पे स्टेबल अपडेट का वर्जन देखने को मिला है वो यहाँ पे RMX 3085 11F.04 स्टेबल अपडेट देखने को मिल गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बीटा यूजर्स हैं उन्हें डायरेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन में रियलमी वाई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 का ऑफिशियल अपडेट देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से सीधे अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। बाकी दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में रियलमी वाई 4.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 के सारे न्यू फीचर्स यहां पे देखने को मिल जाते हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले तो आपके डिवाइस में न्यू एकोमॉर्फिक डिजाइन देखने को मिल गया है, साथ ही यहां पर थीम्स में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है और यहाँ पे मैनेजमेंट टूल्स को भी ऑप्टिमाइज्ड किया गया है। और खासकर यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को और भी ज्यादा सिक्योर्ड किया गया है। साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में द ऑल न्यू डिजाइन को ऐड किया गया है। साथ ही आई कंफर्ट कीड स्पेस फीचर्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। साथ ही गेमिंग में अपग्रेड टू हाइपर बूस्ट, GPU 4.0 टू स्टेबलाइज द फ्रेम रेट एंड बैलेंस द परफॉर्मेंस एंड पावर कंजप्शन इन की सिनेरियोस एक्सेट्रा फीचर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बाकी दोस्तों, आपके डिवाइस में इन दिनों जो भी छोटे मोटे बग्स देखने को मिल रहे थे, हीटिंग का इशू देखने को मिल रहा था, लैगिंग का इशू देखने को मिल रहा था और यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू देखने को मिल रहा था, तो उन सारे इशूज को इस अपडेट के बाद फिक्स्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो फाइनली इंडिया के अंदर रियलमी C33 डिवाइस के लिए अगस्त 2023 के मंथ का लेटेस्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे वर्जन की बात करें तो RMX 3627 12 8 29 यहाँ पे न्यू वर्जन देखने को मिल गया है। वैसे यहाँ पे आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिला है या फिर नहीं। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिस्टम में फिक्सेस द सिस्टम इश्यूज दैट माइट कॉज द डिवाइस टू हीट अप ड्यूरिंग यूज। तो यहाँ पर आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे थे तो यहाँ पे काफी ज्यादा भाई हीटिंग का इशू देखने को मिल रहा था, तो उसे यहाँ पर इस अपडेट के बाद फिक्स्ड कर दिया गया है। साथ ही आपके डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। तो आपको यहाँ पे डेली टास्क में, मल्टी टास्किंग में, गेमिंग में, एबोपेन क्लोज में काफी ज्यादा मक्खन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपके डिवाइस के सिस्टम स्टेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। बाकी दोस्तों, इस अपडेट के बाद आप लोगों को यहाँ पे और कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। जो भी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिले थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छी लगी है तो यहाँ पे एक लाइक जरूर करें, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों, आप चाहे तो मुझे ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम तीनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।